हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो बच्चों, कल हमने इंडो इस्लामिक का बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस किया था और शुरुआत करी थी हमने, ठीक है। और हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक। पूरी मैंने हिस्ट्री बताई थी, अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया बताया था, है ना, कि कैसे मुसलमान यहाँ पर आए। उसके बाद अर्लियर मिडिवल पीरियड में हमने बताया कि कितने इन्वेजन्स हुए, किस किस ने किए, है ना। तो जिसमें से हम क्या पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने एक चीज, मोहम्मद बिन कासिम में हमने क्या बताया था एक लास्ट काफी चीज की, कब हमला किया था, तो 712 ईडी में किया था, ठीक है। कहां हमला किया था, तो सिंध पे हमला किया था। उस वक्त सिंध का बादशाह कौन था, तो वो थे राजा दाहिर। एक चीज और मैंने बताई थी कि एक बहुत ही पुरानी बुक है जिसका जिसका जिक्र आता है मोहम्मद बिन कासिम के लाइफ इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम जो है वो किस में मेंशन है, यानी कि जो मैंने कहानी बताई थी पूरी मोहम्मद बिन कासिम की पिछले लेक्चर में, तो वो एक बुक में मेंशन है। उस बुक का नाम मैंने क्या बताया था दोस्तों, वो बताया था चचनामा। तो बहुत ही पुरानी बुक है, उसको आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम के इवेंट्स जो है वो किस बुक में मौजूद है, तो वो है चचनामा में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से जानते हैं, आपके 11 एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देर ना करते हुए आगे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। तो अगला टॉपिक है हमारा महमूद गजनवी का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, महमूद गजनवी का, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगले जो कह लो कि अर्ली मिडिवल पीरियड में जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है महमूद गजनवी। इनके बारे में एक फैक्ट बता दूं, ठीक है। और वो फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे पहले सुल्तान का टाइटल किसने इस्तेमाल किया, तो वो किया है महमूद गजनवी, सुल्तान का टाइटल, ठीक है। सुल्तान का टाइटल है ना, सुल्तान का टाइटल, ठीक है। फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, सुल्तान का टाइटल, फर्स्ट इन दी वर्ल्ड। तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये सब चीज पूछी जाती है, लेकिन आपको फैक्ट के लिए मैं बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे पहले सुल्तान का टाइटल किसने इस्तेमाल किया, तो वो किया सुल्तान महमूद गजनवी ने, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट के बारे में, ठीक। तो जैसे कि मैं कल भी बता चुका था आपको पिछले लेक्चर में कि किसने किसने टाइम हमला किया, कितना टाइम हमला किया, तो महमूद गजनवी ने जो हमला किया था वो आपका 17 बार हमला किया था, ठीक है। महमूद गजनवी ने कितनी बार हमला किया था, ये सेकेंड इन्वेडर थे, मतलब तीन इन्वेजन हुए हैं अर्लियर मिडिल पीरियड में, एक मोहम्मद बिन कासिम का, फिर दूसरा महमूद गजनवी का, तीसरा मोहम्मद गौरी का। तो महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स बच्चों हमला किए, ठीक। और ही वॉज एन इन्वेडर फ्रॉम गजना, वो कहां के थे, गजना के थे। गजना कहां की एक सिटी है, तो एक हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अफगानिस्तान है, ठीक है। गजना के रहने वाले थे, हिस्टोरिकल सिटी जो है अफगानिस्तान की है, इसीलिए इनके नाम के आगे गजनवी भी लगा हुआ है, गजना के रहने वाले थे, ठीक है, इसलिए गजनवी भी लगा हुआ है, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ सबुक्तगीन, इनके फादर का नाम क्या था, सबुक्तगीन, ठीक। इनके फादर का नाम क्या था, सबुक्तगीन। और बच्चों जो ये हमले इन्होंने 17 हमले किए, ये टाइम पीरियड के बीच में किए हैं, वो कौन सा टाइम पीरियड है, फ्रॉम 1001 एडी टू 1027 एडी ही अटैक्ड 17 टाइम्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये 17 हमले जो इंडिया पे किए महमूद गजनवी ने, वो सन 1001 एडी से लेके सन 1027 एडी तक किए थे टोटल, जिसमें से सबसे फेमस हमला जो है वो सोमनाथ टेंपल का है, जो कि गुजरात में है, और 1025 एडी में ये हमला किया था, ठीक है। तो सोमनाथ टेंपल का हमला जो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1025 एडी में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको इस तरीके से पूछ लेंगे कि सोमनाथ टेंपल कहां पर है, तो गुजरात में है। सोमनाथ टेंपल पे जो महमूद गजनवी ने हमला किया था वो कब किया था, तो वो किया था 1025 एडी में, ठीक। और महमूद गजनवी की डेथ जो है कब होती है, 1030 एडी में, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये दो क्वेश्चंस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े नाम याद रखना है यहां पे।
फिरदौसी नाम याद रखना कि फिरदौसी एक फेमस पोएट थे महमूद गजनवी के कोर्ट में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी शाहनामा, शाहनामा, ठीक। इसमें क्या था, एंशियंट ईरानियन हीरोज के तारीफें बयान करी गई थी, है ना। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये बुक शाहनामा। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है शाहनामा बुक इज रिटन बाय, तो वो किसने लिखी है, फिरदौसी ने, ठीक। ऐसे ही अल बिरूनी, ये एक फेमस स्कॉलर थे, ये भी महमूद गजनवी की कोर्ट में थे, ठीक है। इन्होंने भी एक बहुत मशहूर किताब लिखी है जिसका नाम है क्या, किताबुल हिंद। ये भी बहुत मशहूर किताब है, इसमें इंडियन साइंस एंड फिलोसफी के बारे में बयान किया गया है। तो किताबुल हिंद जो किताब है ये किसने लिखी है, ये लिखी है अल बिरूनी ने, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिरदौसी ने इनमें से कौन सी किताब लिखी, शाहनामा, ठीक है। शाहनामा इज रिटन बाय फिरदौसी और किताबुल हिंद इज रिटन बाय अल बिरूनी। या आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फिरदौसी और अल बिरूनी जो थे ये किसके टाइम पीरियड में थे, या किसके दरबार में थे, या किसके कोर्ट में थे। तो वो किसके कोर्ट में थे, महमूद गजनवी के कोर्ट में, ठीक है। इनके अलावा भी और स्कॉलर्स थे उनकी कोर्ट में जिनका नाम था फर्रुखी, उतवी और सिस्तानी, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लोगों के लिए। चलिए तो अगले टॉपिक पे इसमें बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी हमारा अगला टॉपिक है। इन्होंने कितने टाइम्स हमला किया, ठीक है। अगले जो इन्वेजन हुआ है, थर्ड इन्वेजन, वो मोहम्मद गौरी के जरिए हुआ। मोहम्मद गौरी ने 5 times हमला किए थे, कितने टाइम्स, 5 times, ठीक है, याद रखेंगे 5 times। ये भी ये पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, नोट्स जो है ये अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5 times हमला किया। मोहम्मद गौरी के अदर नाम्स क्या थे, मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी के जो असली नाम थे शहाबुद्दीन एंड मोइजुद्दीन, ठीक है। शहाबुद्दीन एंड मोइजुद्दीन किसके नाम है, तो मोहम्मद गौरी के, याद रखिएगा, ठीक। तो पहला हमला जो मोहम्मद गौरी ने किया था वो 1175 एडी में किया था, 1175 एडी में किया था। कहां अटैक किया था उन्होंने, मुल्तान पर, और उसको जीता था, मूल राज वाज़ द किंग ऑफ मुल्तान एट दैट टाइम। 1175 में मोहम्मद गौरी ने कहां हमला किया था, मुल्तान पर हमला किया था, और उस वक्त मुल्तान का बादशाह कौन था, मूल राज, ठीक। और ये वाली बैटल जो थी गौरी ने जीती थी, गौरी ने जीती थी ये वाली बैटल, ठीक है। कंकॉर्डेट यहां पे लिखा हुआ है। तो 1175 की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पे हमला किया, उस वक्त मुल्तान का बादशाह कौन था, तो मूल राज, ठीक है। और ये वाली बैटल गौरी ने जीती थी। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट हमला मोहम्मद गौरी ने कब किया था, तो वो किया था 1178 एडी में, ठीक है बच्चों, 1178 एडी में किया था मोहम्मद गौरी ने। अब 1178 में हमला कहां किया था, माउंट आबू पर, माउंट आबू पर किया, माउंट आबू पर किया सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त माउंट आबू का बादशाह कौन था, तो भीमदेव सेकंड, ठीक है, याद रखेंगे। 1178 में मोहम्मद गौरी ने जो हमला किया वो कहां किया था, माउंट आबू पर, और उस वक्त माउंट आबू का जो बादशाह था वो कौन हुआ करता था, भीमदेव सेकंड। ये वाली बैटल गौरी हार जाते हैं, ठीक है, गौरी लॉस्ट दिस बैटल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ये 3 points बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ये 3 points बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूं। किसी भी एग्जाम से यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मोहम्मद गौरी से, ठीक है। अब वो क्या है, 1191 एडी में, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई है, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई है, किसके अगेंस्ट हुई है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई है, पृथ्वीराज के चौहान के अगेंस्ट। इन दिस बैटल गौरी वाज डिफीटेड, ठीक है। तो पहली बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई, तो 1191 एडी में, ठीक। किसके किस किस के बीच में हुई, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और कौन जीता इसमें, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके ये 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं कि बैटल किस किस के बीच में हुई, बैटल कब हुई, ठीक है, और किसने जीता उसको, ठीक है।
तो इसी तरीके से उसी के एक साल बाद 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, सेम उन्हीं के बीच में हुई। इस बार मोहम्मद गौरी जो है ये बैटल जीत जाते हैं, ठीक है, ये बैटल जीत जाते हैं। तो पहली बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, ठीक है, याद रखना इस चीज को। पहली वाली पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरी वाली मोहम्मद गौरी जीते। इसके बाद 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर हुई है, ये किस किस के बीच में हुई है, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। राजा जयचंद कहां के किंग थे, तो ये थे कन्नौज के किंग, ठीक है, कन्नौज के राजा थे। ठीक, ये वाली बैटल भी कौन जीत जाता है, ये गौरी जीत जाते हैं, ठीक है। तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुई है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हैं, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट 1191, बैटल ऑफ तराइन सेकंड 1192, और बैटल ऑफ चंदावर 1194, ठीक। जयचंद कहां के रूलर थे, किंग थे, तो वो थे कन्नौज के, याद रखिएगा, ठीक है। ये दौर वही था बच्चों कि इस वक्त ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है, जिनको सुल्तानुल हिंद भी कहा जाता है, गरीब नवाज भी कहा जाता है, वो इसी दौरान ही यहां पर आए थे अजमेर में, ठीक है। 1191-92 के दौरान ही कहां आए थे, अजमेर में आए थे, ठीक है। तो ये टॉपिक हम सूफीज में भी पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड एक चीज याद आ गई, तो मैं बताता हुआ चलूं, क्वेश्चन के फॉर्म में भी कभी पूछ सकते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ के रूलर थे, पृथ्वीराज चौहान, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के रूलर थे, तो ये थे अजमेर के रूलर, ठीक है, अजमेर रूलर, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं रूलर, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, वो नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और इसके राइटर कौन है, राइटर, इसके राइटर हैं चंद्र बदाई, ठीक, चंद्र बदाई, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान की एक बायोग्राफी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और इसके राइटर कौन है, वो है चंद्र बदाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। पृथ्वीराज चौहान कहां के रूलर थे, तो वो थे अजमेर के रूलर, ठीक है, ओके बच्चों। तो यहां पर मोहम्मद गौरी वाला जो थर्ड इन्वेजन है, मोहम्मद गौरी ने 5 हमले किए बच्चों, 5 में से 3 बैटल्स मोहम्मद गौरी ने जीती और 2 हारी, ठीक है। तो जब ये यहां पर जब इनका रोल कायम हो गया इंडिया में, तो आप ये वापस जाने लगे, ये अफगान की तरफ थे, अफगानिस्तान की तरफ से थे, उधर ही साइड से थे, ठीक है। गौर नाम की एक पहाड़ी है गौरी, जब भी इनका नाम, इनके नाम में गौरी भी लगा हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान में एक हिल एरिया है, ठीक है। तो ये वापस जब जा रहे थे, तो रास्ते पर इन पे एक हमला होता है, एक ट्राइब था, कबीला, जिसका नाम था खोखर, ठीक है, खोखर ट्राइब के एक कबीला का, एक कबीले का मेंबर था, जो इनका एसेसिनेशन कर देता है, कत्ल कर देता है, इनको मार देता है, ठीक है। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं आगे इसी में ही, कि मोहम्मद गौरी के, मैं आपको कहानी के लिए बता रहा हूं कि कैसे ओरिजिन आया, ये हुआ दिल्ली सल्तनत का, कैसे ओरिजिन आगे आएगा, जो आ रहा है बल्कि, ठीक है, क्योंकि देखिए मोहम्मद गौरी के बाद ये 1206 वाला पीरियड पे शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड, ठीक। तो मोहम्मद गौरी के 3 स्लेव्स थे, ठीक है, एक यालदोज, एक कुबाचा और तीसरे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको आप बखूबी जानते हैं और इनको हमें पढ़ना भी है यहाँ पे सिलेबस में, ठीक है। तो या इन्होंने मोहम्मद गौरी ने जो अपनी टेरिटरी थी वो इनको बीच में डिवाइड करी, जैसे कि यालदोज के हाथ में अफगानिस्तान वाला एरिया आया, कुबाचा के हाथ में ये वाला एरिया आया, कौन सा, मुल्तान वाला एरिया, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वाला एरिया है, जो आगे चल के जिसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का हिस्सा किसके अंडर में आया, वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में, ठीक है बच्चों। चल,
तो यहां से दिल्ली सल्तनत की जो है शुरुआत हो रही है, नींव पड़ रही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है चलो, तो अब यहां पे ये देखो दिल्ली सल्तनत का पूरा टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1206 से कहां तक है, 1526 तक। तो 1206 से 1526, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1206 से 1526, ये पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। ठीक है, 1526 में कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी, कौन सी सल्तनत आएगी, क्या आएगी, मुगल अंपायर आ जाएगा, है ना। दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी 1526 में, मुगल अंपायर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी है। ठीक है, याद रखना कितनी डायनेस्टी है, 5 डायनेस्टी है, जिनके नाम टाइम पीरियड सब कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक, चौथी सैयद, पांचवी लोधी डायनेस्टी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके मेन रूलर्स भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413, सैयद डायनेस्टी 1413 से 1451 एंड लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। ठीक है, ये चीज चल रही थी। ठीक है चलो, अब ये बताओ बच्चों, आप बता सकते हो, आपके सामने डेटा मौजूद है, आप बता सकते हो सबसे लंबे वक्त के लिए कौन सी डायनेस्टी चली थी और सबसे कम वक्त के लिए कौन सी डायनेस्टी चली थी। यार मैं कहूं ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शॉर्टेस्ट लिविंग डायनेस्टी कौन सी है इनमें से, या लॉन्गेस्ट लिविंग डायनेस्टी कौन सी है। तो स्लेव डायनेस्टी का रूल देखो, 1206 से 1290, ये तकरीबन कितनी 84 ईयर्स तक चली है भाई, 84 ईयर्स। ठीक, 1290 से 1320 खिलजी डायनेस्टी, ये कितनी चली है, ये चली है तकरीबन, ये 30 साल चली है, 30 ईयर्स। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, ये 1320 से 1413, ये 93 ईयर्स तकरीबन। ठीक है, उसके बाद ये सैयद डायनेस्टी देखो, ये कितनी ईयर्स चली है, 51, 38 ईयर्स, अराउंड 38 ईयर्स। ठीक है, एंड लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, 75 ईयर्स। तो आप खुद देख सकते हो कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट चली है, कौन सी लॉन्गेस्ट चली है। तो खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट है, याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, शॉर्टेस्ट डायनेस्टी सबसे कम वक्त के लिए चली, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सबसे कौन सी है, तो वो है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी याद रखिएगा ये। ठीक बच्चों, स्लेव डायनेस्टी के दो और नाम है स्लेव डायनेस्टी के, क्या, एक इसको इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, इलबरी डायनेस्टी, और दूसरा इसका नाम है ममलूक डायनेस्टी, क्या, ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के लिए पूछ लेते हैं कभी कभी, याद रखना। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश जिसको कहते हैं, इसके अदर नेम्स भी हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एलबरी डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां से। चलो अब हम एक एक करके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्लेव डायनेस्टी हमारा टॉपिक है ये वाला अगला। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी जैसे ही मैंने आपको बताया, हमें कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, मोहम्मद गौरी ने अपनी टेरिटरी बांट दी थी, तो नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा किसके अंडर में आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आया था। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम देखेंगे। ठीक, ऑल्सो नोन एज इलबरी डायनेस्टी, ऑल्सो नोन एज इलबरी डायनेस्टी। ठीक है बच्चों, इलबरी डायनेस्टी जो बताया था, और दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका, ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, इलबरी डायनेस्टी एंड ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इलबरी डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी, ये किसके नाम है, दूसरे स्लेव डायनेस्टी के ही दूसरे नाम है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, अगली चीज आपसे ये है, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यहां लिखा है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
बिल्कुल भाई, जाहिर सी बात है, यहाँ पे फाउंडर कौन कहलाएंगे, दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह बन रहे हैं, तो फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला ही पॉइंट आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है, क्या अगला ही पॉइंट लिखा हुआ है? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ इल्तुतमिश का नाम आ गया भाई, सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, जिनको उर्दू में अल्तमश भी कहते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ऐसा कैसे हो गया? फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन रियल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को कहा जा रहा है। ऐसे कैसे बच्चों, बता सकते हो आप? तो इसकी वजह यह है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ठीक है, रियल फाउंडर इस मायने में नहीं कहलाते, मतलब स्टार्टिंग तो इन्होंने करी, पहले रूलर यही थे, तो स्लेव डायनेस्टी की दाग बेल तो इन्होंने डाली एक तरीके से। तो फाउंडर अगर पूछा जाए तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल फाउंडर इन मायनों में है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का टेन्योर जो है, जो अब हम देखेंगे बच्चों आप आगे, वो बहुत कम वक्त के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है, तो ये ज्यादा वक्त के लिए रूलर रह नहीं पाए। तो दिल्ली का जितना डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें, ये नहीं कर पाए इतना। 4 साल का सिर्फ इनका रूल रहा, ठीक है, 4-5 साल का रूल रहा, ठीक है, तो ये ज्यादा कर नहीं पाए चीजें। लेकिन अगले सुल्तान, अगले जो बादशाह बने वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश बने। तो दिल्ली का पूरा, दिल्ली सल्तनत कह लो, दिल्ली सल्तनत का पूरा जो नक्शा बदला वो इल्तुतमिश ने बदला। देखो, हर तरीके से दिल्ली का डेवलपमेंट किया, कई मदरसा भी बनाया, फर्स्ट मदरसा भी बनाया उनके वक्त में, मस्जिद भी बनी है, ठीक है, कई सारे सिस्टम लाए, इक्तदारी सिस्टम, जो हम आगे भी देखेंगे इल्तुतमिश ने क्या क्या किया। तो दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट किसने किया? वो किया सुल्तान इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ज्यादा वक्त था ही नहीं, मिला ही नहीं उनको, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इन मायनों में रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुल्तान इल्तुतमिश को। तो बच्चों, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, याद रखना, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन एक टर्म यहां पे लग गई, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो कौन होंगे? इल्तुतमिश होंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा एक पॉइंट लिख रखा है, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान, आंसर में लिखा हुआ है क्या? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश लिखा है बच्चों यहां पे, इल्तुतमिश लिखा हुआ है। तो आप तो कहेंगे कि सर भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले आए थे तो फर्स्ट सुल्तान तो वही होंगे ना, है ना, तो ये कैसे हो गया कि इल्तुतमिश तो उनके बाद बने हैं रूलर, वो कैसे फर्स्ट सुल्तान कहलाए जा रहे हैं? तो बच्चों, यहाँ पे एक फर्क है, ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक रीजन लिख भी दिया है, ठीक है, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक डिड नॉट एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान, ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ मलिक और सिपा सालार। मलिक मीन्स सबॉर्डिनेट और एज असिस्टेंट। तो बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्होंने कभी सुल्तान का टाइटल इस्तेमाल नहीं किया, सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उसकी जगह मलिक या सिपा सालार का टाइटल एक्सेप्ट किया, सिपा सालार या मलिक, जिसको सबॉर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाया, ठीक है। तो सुल्तान जो कहलवाया, सबसे पहले सुल्तान का टाइटल जो लिया दिल्ली सल्तनत में, वो किसने किया? वो इल्तुतमिश ने किया। तो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन हुए? इल्तुतमिश हुए। तो यहां से बच्चे रिकॉल करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले महमूद गजनवी के बारे में बताया था कि दुनिया में अगर पूछा जाए, दुनिया में सुल्तान का टाइटल सबसे पहली दफा किसने इस्तेमाल किया, किसने एक्सेप्ट किया टाइटल सुल्तान का, तो वो महमूद गजनवी है दुनिया में। लेकिन दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में पहली दफा सुल्तान का टाइटल किसने इस्तेमाल किया? तो वो किया सुल्तान इल्तुतमिश ने। ये आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है, ये भी चीजें थी, तो ये याद रखोगे, ठीक। और एक वजह थोड़ा सा उसमें यह भी आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल जो है पहले लाहौर को बनाया था, दिल्ली को नहीं बनाया था, ठीक है। क्या नाम है, पहले एक वजह छोटी सी ये भी दी जाती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था, वो इसलिए बनाया था क्योंकि जो टेरिटरी बांटी थी मोहम्मद गौरी ने अपने स्लेव्स के बीच में, यालदोज कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये चाहते थे कि भाई अपने पड़ोसी उस पर नजर रखी जाए, यानी कि भाई उन वहां क्या कैसा
कह लो गतिविधि चल रही है, क्या साजिश चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, उस पर भी नजर रख सके। इसलिए उन्होंने, क्योंकि मुल्तान वाला हिस्सा यालदोज के अंडर में था, अफगानिस्तान वाला जो था मुल्तान वाला कुबाचा के अंदर में था और अफगानिस्तान वाला यालदोज के अंदर में, ठीक है। तो वहां नजर रखने के लिए उन्होंने अपने पहले कैपिटल किसको बनाया था, लाहौर को बनाया था। हालांकि बाद में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, लेकिन बाद में करी थी, ठीक है, दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो एक वजह यह भी दी जाती है, और मेन चीज यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, तो वो है सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। तो क्लियर हुआ बच्चों, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत पूछा जाए तो वो कौन होंगे, वो भी इल्तुतमिश होंगे, ओके, ठीक है। चलो तो अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, पॉपुलरली नोन एज लाख बख, ये इसका मतलब क्या है, गिवर ऑफ लैक्स एंड कुरान ख्वा, ये टाइटल्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये क्या थे, टाइटल्स थे बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही सखी थे, सखी जेनरस, बांटने वाले, ठीक है, दीनदार थे, दिलदार भी थे, दीनदार भी थे, ठीक है। बहुत ही फेमस थे लोगों के बीच में, किस नाम से, गिवर ऑफ लैक्स, जिसको लाख बख्श, यानी कि बख्शना मतलब देना, देना यानी कि ये गरीबों में दान बहुत किया करते थे, ठीक है, सखी थे। गिवर ऑफ लैक्स यानी कि लाखों रुपए बांट दिया करते थे, तो सोचो कितनी दौलत हुआ करती थी उस वक्त, ठीक है, दान में। तो इसीलिए ये टाइटल लोगों ने उनको दिया था, गिवर ऑफ लैक्स, लाख बख्श, बख्शना मतलब देना, लाख लाख बख्श देते थे, लाख लाख रुपए बख्श देते थे ये लोग, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख लाख रुपए बख्श देते थे, ठीक है, मतलब दे देते थे, गिवर ऑफ लैक्स इसका मतलब ये है, ठीक है। और इनका एक टाइटल भी था कुरान ख्वा, बच्चों ही वॉज अ वेरी गुड रिसाइटर ऑफ कुरान, ये बहुत इनकी कुरान की किरात बहुत अच्छी थी, इसलिए इनके पास एक टाइटल और था, इनको कुरान ख्वा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये टाइटल ये आपने तो बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये कम सुना होगा, लेकिन ये भी आप याद रख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ भी लेते हैं कुरान ख्वा किसका टाइटल है, तो ये भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। अब इनके कुछ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इन्होंने एक 28 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कहां है, अजमेर में, राजस्थान में, ठीक है। ये बच्चों है क्या 28 दिन का झोपड़ा, क्या है ये, एक मॉस्क है बच्चों, ठीक है। ये क्या है 28 दिन का झोपड़ा, क्या है बच्चों, ये एक मॉस्क है, याद रखना, ठीक है, ये एक मॉस्क है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मॉस्क है ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 28 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है, ये एक मॉस्क है बच्चों, मॉस्क मस्जिद है, ठीक। ये अजमेर शरीफ में मौजूद है, कहां है, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहां है, अजमेर में, 28 दिन का झोपड़ा ये कहां है, ये अजमेर में, ये किसने बनवाया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है, अजमेर राजस्थान, ठीक। उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाई, कहां, दिल्ली में, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये क्या है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये क्या है, फर्स्ट मॉस्क बिल्ड इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है बच्चों। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाई, वो बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क क्या है, ये फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली सल्तनत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कौन सी है, फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली सल्तनत वाज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, 28 दिन का झोपड़ा, 28 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया, तो ये बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 28 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये एक मस्जिद है, ये बिल्डिंग पूछा जाता है, ये बिल्डिंग क्या है, तो ये एक मस्जिद है, कहां है, अजमेर में, राजस्थान में, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली सल्तनत वाज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये जो मैंने अभी लिखा बच्चों, ये लिखा हुआ ये पॉइंट है ना, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क क्या है, फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली सल्तनत। इसके बाद टाइटल्स उन्होंने क्या क्या दिए लिए, और
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या टाइटल लिए, तो मलिक एंड सिपा सालार, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मलिक और सिपा सालार का टाइटल लिया था, ठीक है। लाख बख्श भी कहते थे उनको और कुरान फा भी कहते थे, मलिक एंड सिपा सालार भी कहते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ होती है वो 1210 एडी में होती है, 1210 एडी में होती है, जो कि लाहौर में होती है, वाइल प्लेइंग पोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहां से, कि को नेम दी रूलर हु डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। वो कौन सा बादशाह था जिनकी मौत पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। कब हुई थी? 1210 10 में। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। लेकिन बच्चों पोलो को उस वक्त क्या कहते थे? पोलो को उस वक्त कहा जाता था आपका, ये नाम आप पढ़ा है, पोलो पहले चौगन कहलाता था, ठीक है, चौगन, चौगन, ठीक है, चौगन, चौगन। इस गेम को चौगन कहते थे, जो पोलो की तरह रिजेंबल करता है, ठीक है। आज के वक्त में पोलो कहते थे, घोड़ों पे बैठ के खेला जाता था, पोलो है, तो पुराने जमाने में इसको पोलो नहीं कहते थे, क्या कहते थे? चौगन कहते थे, चौगन, ठीक। पोलो का पुराना नाम, यानी कि पहले उस वक्त चौगन कहा जाता था, ठीक है। और तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफन किया गया? अनारकली बाजार लाहौर में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी हो सकता है, टूम्ब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी कब्र कहाँ है? तो वो है अनारकली बाजार लाहौर में, नीचे यह लिखा हुआ है, ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टूम कहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक की, अनारकली बाजार लाहौर। स्टार्टेड टू बिल्ड कुतुब मीनार बट डाइड बिफोर द कंप्लीशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? तो वो करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट नहीं करवा पाए थे ये, ठीक है। स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, स्टार्ट ही करा पाए थे, इनको टेन्योर का, मैं यहाँ पे आप देखो इनका टेन्योर कब से कब तक है, तो 1206 से लेके 1210, बस यही है, 4-5 साल जो भी इन्होंने रूल किया, इसलिए ही इन्होंने कम रूल करवाया, कम कर पाए। और दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट अगले जो बादशाह आएंगे सुल्तान इल्तुतमिश, उनके जरिए हुआ, इसलिए उनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है ना, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से लाख बख्श का टाइटल है, ठीक है, मलिक सिपा सालार का टाइटल है, कुरान खां का टाइटल है, कौन से बादशाह की मौत पोलो खेलते वक्त हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा अब आगे और बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगले हमारे कौन से बादशाह हमें पढ़ने हैं। तो सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में, ठीक। चलो तो अगले जो दिल्ली सल्तनत में अगले जो बादशाह आए वो कौन आए? वो आए सुल्तान इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इनका पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और उर्दू में इनको अल्तमश भी कहा जाता है। कब से कब तक? 1210 से 1236 एडी तक, ठीक है, 1210 से 1236 एडी तक। ये कौन थे? सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, पहले स्लेव थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनके बाद दामाद भी इनके बन गए, ठीक है। सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे ये? सन इन लॉ। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, बिल्कुल अभी मैं बता चुका आपको, ये वाला पॉइंट बता चुका था, रियल फाउंडर क्यों कहते हैं वो भी मैं बता चुका, ठीक। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये भी बता चुका मैं कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन है, तो वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पहली दफा सुल्तान का टाइटल करने इस्तेमाल करने वाले रूलर या बादशाह कौन थे? तो वो थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। अगला पॉइंट, स्टार्टेड द इक्तादारी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पूछा जाएगा इक्तादारी सिस्टम किसने चलाया? तो वो दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया? तो वो चलाया आपका सुल्तान इल्तुतमिश ने। अब ये है क्या इक्तादारी सिस्टम? तो बच्चों इक्तादारी सिस्टम एक सिस्टम है पूरा, तो जैसे कि एक रीजन होता था, भाई दिल्ली सल्तनत के पूरे बादशाह इस वक्त कौन थे? इल्तुतमिश थे। तो मान लो ये दिल्ली सल्तनत का एरिया है पूरा, पूरा एरिया है मान लो दिल्ली सल्तनत का, नॉर्थ इंडिया का। अब इसमें छोटे छोटे प्रोविंस हो गए, ठीक है, इलाके हो गए, तो भाई ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में है, तो जैसे कि आप समझ लो जैसे पूरा एक इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट्स भी है ना, हर स्टेट्स में सीएम काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल हेड एक अलग है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर
और प्रेसिडेंट जो हो गए ये एक अपर बॉडी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब पूरी दिल्ली सल्तनत का बादशाह कौन है? सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे प्रोविंस होंगे ना, बहुत सारे इलाके, तो यहाँ पे एक एक भाई सबके, जैसे इस वक्त स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ भी एक एक प्रोविंस बांट दिए गए, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर एक एक हिस्सा दे दिया गया सबको। और लेकिन सब लोग रूल के किसके अंदर में है? रूल में सुल्तान इल्तुतमिश के अंदर में। तो ये रेंज जो थे, ये रेंज, ये कहलाए एकता। ये कहलाए क्या? प्रोविंस जो थे ये एकता कहलाए। क्या कहलाए? एकता, एकता। ये जो पूरा एक इलाका कहलाया, कह लो कि एकता। और जो इस प्रोविंस को रन करता था, ठीक है, ये प्रोविंस क्या हो गया? पूरा एकता हो गया। और इस प्रोविंस को रन करने वाला है ना, इस प्रोविंस को रन करने वाला क्या कहलाया? एकतादार, एकतादार, ठीक है, एकतादार। और मुक्ति भी कहते थे इनको, मुक्ति, ठीक है, एकतादार या मुक्ति, ठीक है। एक इलाके का एक रूलर हो गया ना, एक रूलर हो गया, उस रूलर को एकतादार या मुक्ति कहते थे। और पूरा इलाका क्या कहलाया? प्रोविंस क्या कहलाया? एकता कहलाया। छोटे छोटे रेंज प्रोविंस है ना, छोटे छोटे रेंज, ठीक है, इलाके। और पूरा सिस्टम क्या कहलाया? ये कहलाया पूरा एकतादारी सिस्टम। पूरा सिस्टम क्या कहलाया? एकतादारी सिस्टम। ये सब पूरा किसके अंदर में था? सुल्तान इल्तुतमिश के अंदर में। समझ में आ गया? तो एकतादारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया दिल्ली सल्तनत में? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने, ठीक। अगला पॉइंट आपके सामने लिखा है, फाउंडेड द तुर्के चहलगनी चालीसा, डेट इज कॉप्स ऑफ 40। ये टर्म पूछी जाती है, तुर्के चहलगनी किसने स्टार्ट करी या फाउंड करी दिल्ली सल्तनत में? तो तुर्के चहलगनी ये स्टार्ट करी थी सुल्तान इल्तुतमिश ने। चहलगनी का मतलब होता है 40, है ना, 40। तो चालीसा, जिसको हिंदी में दल चालीसा भी कह देते हैं, ये चालीसा लिखा हुआ है, दल चालीसा भी कह देते हैं, कॉप्स ऑफ 40, ठीक है। ये 40 लोगों का एक दल था तुर्के चहलगनी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तुर्के चहलगनी, ठीक। 40 लोगों का एक दल था जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक, जो कि सारे इनके काम देखा करती थी, एक कमेटी कह सकते हो, है ना, असेंबली कह सकते हो, कि पूरी एक बना रखी थी। और इसके अंदर बहुत सारे लोग थे, बलबन भी इनमें से एक था, जो आगे हम पढ़ेंगे, आगे रूलर भी है दिल्ली सल्तनत में बलबन, तो बलबन भी तुर्के चहलगनी का एक मेंबर था, ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश को जो भी काम कराने होते थे वो दल चालीसा या ये तुर्के चहलगनी के लोग ये किया करते थे। तो ये क्या था? तुर्के चहलगनी, दल चालीसा, कॉप्स ऑफ 40, 40 लोगों की पुलिस, एक तरीके से पुलिस कह सकते हो, ठीक है, कॉप्स ऑफ 40, 40 लोगों का एक दल था। तुर्के चहलगनी किसने स्टार्ट करी थी? तो ये करी थी सुल्तान इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब ये एक चीज पूछ ली जाती है, इंट्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ कॉइंस, टंका एंड जीतल, ठीक है। टंका एंड जीतल किसने चलाया? तो ये भी सुल्तान इल्तुतमिश ने चलाए थे। ये कॉइंस थे, दो तरीके के कॉइंस चलाए थे सुल्तान इल्तुतमिश ने, एक टंका चलाया था, एक जीतल चलाया था। टंका क्या था? जो कि सिल्वर कॉइन था, और जीतल क्या था? कॉपर कॉइन, ठीक है। तो टंका सिल्वर कॉइन, जीतल कॉपर कॉइन, ये किसने चलाए थे? सुल्तान इल्तुतमिश ने, ठीक है। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, बिल्कुल अभी देखा आपने कि स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार किसने किया था? हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हु कंप्लीटेड दिस, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? तो आंसर क्या होगा? सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। इन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाई, कहां की? बदायूं की जामा मस्जिद बनवाई, ठीक। दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट मदरसा भी बनवाया, जिसका नाम था मदरसा मुइज्जी। फर्स्ट मदरसा इन दिल्ली सल्तनत किसने बनवाया? सुल्तान इल्तुतमिश ने, जिसका नाम था मदरसा मुइज्जी, ठीक है। और बिल्ड रिजर्वॉयर्स, पानी के हौज बनवाए, रिजर्वॉयर्स बनाए, जिसका नाम था एक हौजे शमसी, गंडक बाउली, ये जो थे पानी के रिजर्वॉयर्स बनाए थे उन्होंने, ठीक है, वो किसने बनाए थे? सुल्तान इल्तुतमिश। ये थोड़ा सा डीप है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। हौजे शमसी भी बनवाया था उन्होंने, गंडक बाउली क्या थे? पानी के रिजर्वॉयर्स वगैरह, ठीक है। ही बिल्ड सुल्तान गारी द फर्स्ट इस्लामिक मॉसोलियम टूम इन दिल्ली, ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश ने सुल्तान गारी भी बनाई थी, सुल्तान गारी, जिसको हिंदी में सुल्तान गढ़ी भी कह देते हैं, सुल्तान गढ़ी, ठीक है। तो ये क्या है? सुल्तान गारी है क्या? ये इनके बेटे की कब्र है। सुल्तान गारी जो है
ये इनकी बेटे की कब्र है जो कि एक ऑक्टागोनल शेप में, ऑक्टागोनल जानते हैं ना बच्चों, आठ साइड वाला, ठीक है, आठ साइड वाला, ठीक है, आठ साइड वाला। तो ये इस शेप की एक क्या है, कब्र है। और ये क्या है, द फर्स्ट इस्लामिक मॉसोलियम, मॉसोलियम का मतलब मकबरा, मकबरा, ठीक है, क्या हुआ, मकबरा, ठीक है, मकबरा, मॉसोलियम का मतलब क्या होता है, मकबरा, फर्स्ट इस्लामिक मॉसोलियम, फर्स्ट मकबरा है ये दिल्ली, दिल्ली में, कौन सा, सुल्तान गारी। ये क्या है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटे की कब्र है, ठीक है, ऑक्टागोनल शेप में, ये मैंने आपको बताया अभी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारे सामने क्या, सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में, फर्स्ट टाइम मंगोल्स रीच द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश के वक्त में ही मंगोल्स वैसे बहुत पावरफुल कौम हुआ करती थी, आप सब जानते हैं चंगेज खान ये सब है ना, तो बहुत पावरफुल कौम हुआ करती थी, तो पहली दफा इंडिया में आए नहीं थे, ठीक है, जो फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के आमने सामने मतलब वहां तक पहुंचे थे कि तो वो कौन से बादशाह थे, सुल्तान इल्तुतमिश, पहली दफा उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया था, फ्रंटियर ऑफ इंडिया तक आए थे, मुहाने तक आए थे इंडिया के, ठीक है, बॉर्डर तक ये सब कह लो, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम मंगोल्स ने किसके वक्त में एंटर किया था इंडिया में, एंटर नहीं मतलब रीच फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के आसपास पहुंचे थे वो सुल्तान इल्तुतमिश के दौर में, ठीक है। तो सुल्तान इल्तुतमिश 1236 एडी में इनका इंतकाल हो जाता है दिल्ली में और वहीं इनको दफना दिया जाता है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में इनकी कब्र है, कुतुब मीनार के आसपास जितना भी है वो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वहीं इनके बेटे की भी कब्र है वो, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है हमारा रजिया सुल्तान, क्या है, रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान कह सकते हैं आप। तो रजिया सुल्तान कौन थी भाई, रजिया सुल्तान कौन थी, ये इनकी बेटी थी, शी वाज़ दी डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ये बहुत ही बोल्ड नेचर की थी, बहुत ही कह लो कि योद्धा टाइप थी, है ना, वार टेक्निक्स में माहिर थी, ठीक। इससे यहां से बच्चों आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूं और यहाँ पे लिख भी रहा हूं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर या फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया, क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया, तो भी आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, रजिया सुल्तान। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया, तो भी आंसर क्या होगा, रजिया सुल्तान, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर पूछ लें इन दिल्ली, इन इंडिया, या दिल्ली सल्तनत पूछे तो भी इंडिया, तो कौन होंगी, रजिया सुल्तान, या फर्स्ट फीमेल रूलर पूछ लें तो भी कौन होंगी, रजिया सुल्तान, ठीक। अब ये अगला पॉइंट लिखा है, शी ऑप्टेड कुबा एंड कुला, बच्चों ये क्या है, कुबा का मतलब होता है ब्लेजर, कुला का मतलब होता है कैप, एक टाइप का वेस्टर्न आउटफिट इन्होंने इख्तियार किया, जैसे अंग्रेज औरतें जो उस दौरान पहना करती थी ब्लेजर टाइप, कैप टाइप, तो रजिया सुल्तान ने भी यही वाला पहनावा जो है इख्तियार किया, ठीक है। एक तरीके से उन्होंने पर्दा सिस्टम का अबॉलिश भी किया था, है ना, पर्दा सिस्टम का अबॉलिश भी किया था, ये हाथी की सवारी भी किया करती थी, इसलिए नजर में भी आई सबके, ठीक है, इनका अपोजिशन भी हुआ, इनका रूल जो है देखो बहुत काम चला है, 1236 से 1240, ठीक है, क्योंकि अपोज तो हो गई उस जमाने में, काफी अपोजिशन भी हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई एक सोच तो ये थी कि लेडी हम पे रूल करेंगी, क्योंकि देखो रूलर के लिए सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे भी थे, बेटे भी थे, तो वो भी गद्दी के लिए वो थे, लेकिन कुल मिला के काफी सारी जदोजहद के बाद गद्दी इन तक आती है रजिया सुल्तान, तो क्या नाम है इनको, लेकिन अपोजिशन उस वक्त बहुत मिला दिल्ली की, लेकिन कुछ दिल्ली की आवाम इनको सपोर्ट भी करती थी, तो खिलाफ जो थी एक जो चीज इनकी इस वजह से भी थी कि भाई ये वाली सोच, एक दखनी सोच कि एक औरत हम पे रूल करेगी, लेडी रूल करेगी, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो पर्दा सिस्टम अबॉलिश किया तो रिलीजियस तरफ से भी इनको अबॉलिशन झेलना पड़ा, मतलब खिलाफत झेलनी पड़ी, तो वो रिलीजन के मैटर में भी था, ठीक है, क्योंकि ये काफी बोल्ड नेचर की थी और वेस्टर्न पहनावा जो कहते हैं वेस्टर्न आउटफिट उस टाइप का प्रेफर करती थी, हाथी की सवारी करती थी, ठीक है, तो रिलीजियस कंटेक्स्ट में
भी इनको काफी खिलाफत मिली, ठीक है, चीजें इनके खिलाफ भी हुई। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें कि शी वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया या फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया, ठीक है। शी वॉज किल्ड बाई समवन एट दिल्ली इन 1240, 1240 में इनका इंतकाल हो जाता है, इनको मार दिया जाता है। एक पॉइंट में यहां बता दूं, इनके हस्बैंड के साथ इनको मार दिया जाता है, इनका इनके हस्बैंड जो है, ठीक है, रजिया सुल्तान, हस्बैंड मैं यहां लिख देता हूं, हस्बैंड का नाम लिख लीजिए मलिक अल्तुनिया, ठीक है, मलिक मलिक अल्तुनिया, ठीक है। ये क्या थे, गवर्नर ऑफ, ये थे आपके गवर्नर ऑफ भटिंडा, ठीक है, भटिंडा के गवर्नर थे। तो मलिक अल्तुनिया कौन थे, इनके रजिया सुल्तान के हस्बैंड थे, ठीक है। इन दोनों को यहां पे मार दिया जाता है 1240 में, तो फिर इनकी यहाँ पे भी इनका टेन्योर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इनके बाद बहुत सारे छोटे मोटे बादशाह मतलब आए जो कि सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे भी थे, ठीक है, 1236 से 1240। अब देखो सीधे 1266 आ गया, 1266 में कौन बना बादशाह, बलबन, ठीक है, बलबन बना, बलबन। तो आप देख रहे हो यहाँ 20 साल का 26 साल का गैप है, ऐसा नहीं कि इस बीच में कोई रूलर नहीं आया, इस बीच में भी रूलर आते रहे, ठीक है, इस बीच में भी रूलर आए, अच्छे खासे आए, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 11 एंट्रेंस के एमयू के सिलेबस में नहीं है, तो वो हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, गयासुद्दीन बलबन बनते हैं। कौन बनते हैं भाई, गयासुद्दीन बलबन, ठीक, 1266 से 1286, ठीक है, कहीं कहीं आपको 1287 भी मिलेगा, 1287 मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ स्कॉलर ने कुछ लिखा, कुछ स्कॉलर ने कुछ लिखा, ठीक है। तो ये कौन थे भाई, आप पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं, मेंबर ऑफ तुर्के चहलगनी, अभी मैंने आपको बताया था तुर्के चहलगनी कॉर्प्स ऑफ 40 दल 40, तो बलबन इसके मेंबर थे, मेंबर थे। देखो आगे चल के क्या बन गए, बादशाह भी बन गए, ठीक है, और बादशाह बनते ही इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉयड दी तुर्के चहलगनी भाई, ठीक है, डिस्ट्रॉयड दी तुर्के चहलगनी। अब ये था क्यों करा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तुर्के चहलगनी का काम जो था पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था, मतलब जो कायम करी थी, तो सारे काम उनसे कराया करते थे। जब इल्तुतमिश का इंतकाल हो गया तो गद्दी के लिए मारामारी होने लगी, तो भाई सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे वगैरह भी गद्दी के लिए ख्वाहिशमंद थे, रजिया सुल्तान भी थी, ठीक है, झगड़े वगड़े हुए, और तुर्के चहलगनी भी थी। तो तुर्के चहलगनी इतनी पावरफुल बन गई धीरे धीरे कि वो डिसाइड करने लगी कि अगला बादशाह कौन बनेगा, ठीक है, ये इतनी पावरफुल बन गई थी ये कमेटी कि ये ही डिसाइड कर रही थी कौन बनेगा, ठीक है। हालांकि कुल मिला के रजिया सुल्तान ने गद्दी तो इख्तियार कर ली थी, लेकिन इनका टेन्योर तो ज्यादा चला नहीं, सिर्फ 4 साल, 1236 से 1240, ठीक। उनके इंतकाल के बाद जो मैंने बताया ना, ये 26 साल का गैप है, छोटे छोटे रूलर्स आए, तो वो एक पपेट रूलर्स थे, ठीक है, चेहरा वो था लेकिन पीछे काम कौन कर रहे थे, वो यही कमेटी काम कर रही थी, तुर्के चहलगनी। कौन तुर्के चहलगनी, सारा गवर्नमेंट पूरी सरकार वही चला रही थी उस वक्त कह लो, ठीक। तो ये इतनी पावरफुल बन गई थी कि यही डिसाइड करती थी कि अगला बादशाह कौन बनेगा, ठीक। तो भाई बलबन भी इसी के मेंबर थे, है ना भाई, बलबन जब बादशाह बने तो इन्होंने ये सोचा कि जब मैं बन गया हूं बादशाह तो कल को मुझे भी खतरा होगा भाई, ये लोग सब लोग मिलके तुर्के चहलगनी मिलके मुझे भी तो हटा सकते हैं, मेरा भी सफाया हो जाएगा भाई। तो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, जैसे ये बादशाह बने तो डिस्ट्रॉयड दी तुर्के चहलगनी, तुर्के चहलगनी इन्होंने खत्म कर दिया भाई, सेफ साइड कर ली। अच्छा एक चीज और थी, बलबन कोई रॉयल फैमिली से नहीं थे ऐसे, तो भाई देखो जैसे बादशाहत होती है वो बादशाह के बेटे को मिलती है, फिर उसे अगले में ट्रांसफर होती है ऐसे ऐसे करके, तो पब्लिक भी भाई पूछेगी ना कि आप कैसे बादशाह बन गए, आप कौन से खानदान से क्या है। तो बलबन ने अपनी बादशाह की पोजीशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाया, ठीक है, बलबन जो थे वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट रूलर इन दिल्ली सल्तनत, बहुत ही स्ट्रांग बादशाह रहे हैं और बहुत ही सख्त भी रहे, ठीक है, सख्त रहे। तो इन्होंने बादशाह की पोजीशन को इतनी मजबूत कर दिया कि कोई भी आके इसको बर्बाद ना कर सके, कोई भी चैलेंज ना कर सके बादशाह को, ठीक है। तो इन्होंने इतना सख्त बना दिया कि इन्होंने क्या कहा कि बादशाह
की पोजीशन के लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई मैं जो बादशाह आपका चुना गया हूं, बना हूं, वैसे ही नहीं बन गया हूं, ये मेरे पास डिवाइन मतलब रूहानी तौर से मिला है, तोहफा मिला है मुझे, मैं तुम्हारी तरफ एक नायब बना के भेजा गया हूं, तुम्हारा लीडर बना के भेजा गया हूं। तो इन्होंने वहां से लिंक किया, ठीक है, जिसको कहते हैं कि जिल्ले इलाही, ठीक है, कि मैं मतलब कि मुझे ये चीज अल्लाह ने अता करी है कि तुम्हारा सरदार बना के, तुम्हारा बादशाह बना के मैं भेजा गया हूं, ठीक है। तो बादशाह की पोजीशन को स्ट्रांग करा। और एक चीज दी इन्होंने कि भाई कोई इनका शाही लिंक तो था नहीं, तो इन्होंने अपना एक लिंक पर्शियन रॉयल फैमिली हुआ करती थी उस दौरान, ठीक है, उससे लिंक निकाला जिसका नाम था अफरासिया, ठीक है, अफरासिया। तो अफरासिया एक रॉयल फैमिली, जैसे कि इंडिया में कह लो अकबर दी ग्रेट की फैमिली एक तरीके से, अब जानते हो आप लोग की बहुत रॉयल घराना, अशोक दी ग्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्शियन की, पर्शिया की उस जमाने की बहुत ही रॉयल फैमिली थी, शाही फैमिली थी, क्या नाम था जिसका, अफरासिया। तो वहां से ये लिंक निकाला कि मैं फला जगह का मतलब शाही खानदान से हूं, तो और ये क्या बन गए, बादशाह बन गए। तो बलबन ने और क्या क्या किया, इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर इन इंडिया। पर्शियन कल्चर इंडिया में कौन लाया, तो वो भी बलबन लेकर आए, एक कॉइन चलाया उन्होंने बलबनी कॉइन नाम से, ठीक है। इंट्रोड्यूस नौरोज फेस्टिवल, नौरोज का फेस्टिवल, ये क्या है नौरोज फेस्टिवल, पर्शियन न्यू ईयर, पर्शियन न्यू ईयर जो है इसको नौरोज कहते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, जैसे अर्तुगरुल गाजी देखा होगा, तो उसमें देखा होगा नौरोज आने वाले हैं, नौरोज, तो पर्शियन कल्चर है, पर्शियन कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया बलबन ने, नौरोज का फेस्टिवल भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया बलबन ने। नौरोज क्या था, जो कि एक पर्शियन का न्यू ईयर था, है ना, पर्शियन न्यू ईयर है ये। थ्योरी ऑफ किंगशिप भी थी, थ्योरी ऑफ किंगशिप, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन वर, किंगशिप इज द वाइस रीजेंसी ऑफ गॉड ऑन अर्थ, द किंग इज द जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, शैडो ऑफ गॉड। बलबन सेड दैट द किंग वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ एंड किंगशिप वाज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि किंगशिप जो है मुझे जो दी गई है ये अल्लाह की तरफ से दी गई है, तुम्हारे ऊपर नायब बना के मुझे लीडर बना के भेजा गया है, ये ऐसे नहीं मैं बन गया हूं मैं बादशाह, इस तरीके से ये थ्योरी ऑफ किंगशिप कहलाती है, इसको कहा गया, ठीक है, जिल्ले इलाही शैडो ऑफ गॉड। तो बताया कि ये रूहानी तौर पे मुझे मतलब मिला है एक तरीके से, ठीक, तो जो अब मैं आपको बता चुका। एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद रॉयल पर्शियन फैमिली अफरासियाब, ये बहुत ही डीप में पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है, यहां पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा नोट्स, ये वाले नोट्स बहुत मेहनत से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक। तो अफरासियाब उस फैमिली का नाम था, पर्शियन रॉयल फैमिली, जो मैंने अभी आपको बताई। इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस, हु इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस, तो वो थे बलबन। सजदा पैबोस क्या था, कि बादशाह के सामने आपको नील डाउन होना है, झुकना है, देखा होगा पुराने जमाने में एक बादशाह के कपड़े चूम रहे हैं झुककर, ठीक है, सजदा पैबोस पैर चूमना एक तरीके से मतलब झुकना, सजदा एंड पैबोस, ठीक है। तो बलबन ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करी, सजदा एंड पैबोस। दूसरा, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी किसने अपनाई, तो बलबन ने, यानी कि बलबन मैंने कहा था अभी बहुत सख्त रूलर थे कि या तो मेरी बात मानोगे तुम, अगर नहीं मानोगे तो आपकी गर्दन कटेगी, ठीक है, तलवार, आयरन एंड ब्लड, ये वाली पॉलिसी भी सख्त, ठीक है, बादशाह की आपको इज्जत करनी है, चैलेंज नहीं करोगे, ठीक है, बहुत सख्त बना दी थी, और स्ट्रॉन्ग रूलर में से इसीलिए स्ट्रॉन्ग रूलर भी हुआ, इन्होंने रूल बहुत लंबा भी किया, देखिए 1286 से 1286, और स्ट्रॉन्ग रूल भी किया, है ना। तो सजदा एंड पैबोस की पॉलिसी भी, भाई आप बादशाह की इज्जत करोगे, उनके सामने मतलब झुकोगे, उनके कपड़े चूमोगे, ठीक है, इस टाइप की चीज, और पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, झुकने का मतलब इज्जत अफजाई के लिए बात हो रही है, ठीक है, जो बादशाह को इज्जत दी जाती है, और आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, अगर आप बात नहीं मानते हैं बादशाह की, तो आपको या तो आप प्यार से मानोगे या तलवार से मानोगे, ठीक है। तो आपके सामने जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता ही हूं, अगर इस जमाने बलबन के वक्त में अगर पुष्पा होता तो क्या करता, झुकेगा, तो बलबन होता, अगर झुकेगा नहीं तो कटेगा, है ना, अगर झुकेगा नहीं तो कटेगा, ठीक। तो सजदा एंड पैबोस की पॉलिसी बलबन ने दी, पॉलिसी ऑफ आयरन ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये वाले, वो किसने दी, आयरन ब्लड की पॉलिसी बलबन ने दी दोस्तों,
ठीक है। तो ये आपकी मैंने आज दिल्ली सल्तनत भी कवर करी, सुल्तान महमूद गजनवी भी पढ़ा हमने, और पूरी दिल्ली सल्तनत का जो था आज हमने पूरा डिस्कस किया बच्चों, ठीक है। तो आज हम यही रैप अप करेंगे, यही बाइंड करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा खिलजी डायनेस्टी रहेगी, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को भी, और अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।